दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच चुका है। अब चंद्रयान 3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर ही दूर रह गया है। भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 ने गुरुवार को अंतिम चरण पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसके बाद लैंडर खुद ही मून मिशन पर आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास था। करीब 1:30 बजे इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को दो हिस्सों में बांट दिया। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो अहम हिस्सा है जो लैंडर और रोवर को साथ लेकर मून मिशन पर गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अलग हो चुके हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 की अंतिम प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब चंद्रयान 3 का चांद पर सिर्फ लैंडिंग होना बाकी रह गया है, जिसे विक्रम अकेला ही पूरा करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल आखिर तक विक्रम और रोवर के साथ रहेगा, लेकिन 100 किलोमीटर पहले साथ छोड़कर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए चक्कर लगाता रहेगा, जिससे डाटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में अपनी जगह बना लेगा। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के नाम ये उपलब्धि होगी। इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का इंजन फेल भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी इस बार चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग जरूर होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।